गुड मॉर्निंग कृष्णा, दो कॉलेज में आपका स्वागत है। हम एलएलबी और बीएलएलबी का जो हमारा सब्जेक्ट है मुस्लिम लॉ, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है पहला इजाजत। इजाजत कहते हैं संरक्षक, कौन संरक्षक हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। अगर जो हस्बैंड वाइफ का दोनों का तलाक हो गया है तो कौन बच्चे का संरक्षक होगा, हम आज इसमें पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसको अरबी भाषा में इसको नहीं जाना तो बोलते हैं वैसे संरक्षण। संरक्षकता किसके पास जाए तो इसमें है नाबालिग बच्चे के लालन पालन और उसके संरक्षक को हिजाजत कहते हैं। अगर दो हस्बैंड वाइफ जो है उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, डिवोर्स हो गया है, तो उनकी जो नाबालिग बच्चे जो होंगे वो किसके पास जाएंगे। और ना डिवोर्स नहीं भी होता है तब भी उनका कौन पहला हिजाज, जो पहले सर्वप्रथम जो संरक्षक होगा वो कौन होगा और सेकंड संरक्षक कौन होगा, वो हम आज से पढ़ेंगे। यह अधिकार केवल निम्न व्यक्तियों को ही मिलता है। सर्वप्रथम होती है माता। सर्वप्रथम किसको? माता को। माता के पक्ष में जो है स्त्री, माता के लिए माता पक्ष में स्त्री पक्ष की स्त्री की। फिर नेक्स्ट है इसमें पैतृक पक्ष के संबंधी, पैतृक पक्ष के यानी पिता के तरफ के संबंधी। पिता के जो संबंधी होंगे उनको भी लेना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। नेक्स्ट है इसका पैतृक पुरुष संबंधी जो नाबालिग के निषेधात्मक अंश के अंदर संबंधित हो, यानी कि पैतृक पुरुष। तो ध्यान रखिएगा, तो नाबालिग बच्चा जो होगा उसकी सर्वप्रथम कौन होगी? माता। माता के बाद माता की पक्ष की जो स्त्री होगी वो माता के पक्ष की स्त्री, नानी हो सकती है, मासी हो सकती है, जो भी होगी वो। पिता के संबंधी, पिता के संबंधी यानी दादा दादी और दादा या फिर बुआ जो होगी वे। और पैतृक पुरुष के में भी वो जिसका निषेधात्मक अंश के अंदर जो संबंधित है वही इसमें इजाजत में आए। अब हनाफी विधि के अनुसार किसी नाबालिग लड़के की इजाजत उसकी माता के 7 वर्ष तक की और लड़की को बालिग कहलाता है। अब इसमें क्या है हनाफी विधि, हनाफी विधि जो है हमारे इंडिया में, तो माता को जो आएगी अगर मेल पेपर है बेटा है तो तब तो 7 साल तक माता के पास रहेगी और अगर जो फीमेल है तो जब तक वो बालिग नहीं होती, जब तक वो लड़की बालिग नहीं होती है तब तक के माँ के पास रहेगी उसकी सदस्यता। असला सारिया जो हमने पढ़ा था संप्रदाय के अनुसार नाबालिग लड़के की इजाजत उसकी माता को 2 वर्ष तक। इश्ना सारिया, इश्ना जो है माँ, इश्ना सारिया में माता को अगर मेल पेपर है तो 2 साल और फीमेल है तो 7 साल तक ही वो अपनी उस बेटी को अपने पास रख सकती है। तो ये तो हो गए हमारे अलग अलग जो विचारधारा है, किसकी विचारधारा जो है किसने किसको बताया कि वो कौन रख सकता है कैसे रख सकता है, ये सब हमारे इसमें बताया। अब है कि ये तो हुआ कि इजाजत मिलने की बात, संरक्षकता मिलने की बात। अब ये है कि ये जो संरक्षकता है इसको समाप्त कैसे किया जाए, समाप्ति कैसे होगी, समाप्ति कैसे होगी। सर्वप्रथम जो इसकी समाप्ति होगी, जो भी संरक्षक है माता है वो होती है उसकी अगर जो मृत्यु हो जाए, पहला क्या है मृत्यु। अगर जो भी है माता पिता या जो भी उनमें से कोई भी है संरक्षक उसकी डेथ है। सेकंड है संरक्षक
और थर्ड है संरक्षक का उन्मोचन पत्र, उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। उन्मोचन पत्र, उन्मोचन यानी कि उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। और नेक्स्ट है बच्चे के शरीर को कोड द्वारा लड़की अगर जो है तो उसकी शादी होने पर, जो लड़की है होने पर। और नेक्स्ट है लड़के का संरक्षण यदि अयोग्य है तो योग्य को दिया जाएगा, अगर संरक्षण जो है वो अयोग्य होने पर तो योग्य जो होगा उस व्यक्ति को दिया जाए। तो ये तो हमारा हुआ कि जाना संरक्षकता किसको मिल सकती है, कैसे मिलेगी, ये ध्यान रखेगा। जो हमारी हनाफी जो हमारे विचारधारा जो स्कूल से हनाफी में हमारे साथ साल तक लड़की की है, और लड़की के जब तक वो लड़की बाली नहीं होती है। और वाकिफ यानी कि जो संरक्षक है उनके लिए, उनके वंशज
पेपर में आ चुका है, तो इसलिए आज ही हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।